गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अब हम पढ़ेंगे क्लास टेंथ हिंदी बोर्ड त्रिकोणमिति। मैंने जीरो से लेकर के 90 तक, जीरो डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक मैंने मान बताया था सारणी के द्वारा, और उसमें निकाला था मैंने 60 अंश का मान निकालने के लिए समझाया था कैसे निकालते हैं। तब इसके बाद हम चलते हैं 30 अंश के लिए कैसे मान को निकाला जाएगा। 30 अंश है तो उसका मान हम कैसे निकालेंगे, देखिए 30 अंश के लिए सबसे पहले तो एक हम समबाहु त्रिभुज बना लेंगे, ये बना लेगा समबाहु। ये हो गया ए बी सी। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक को जो होता है 60 अंश का होता है, ये भी 60 अंश का होगा, और यहां से इसको जो है लंबा ये भी 60 अंश हो जाएगा। ये 90 अंश ये हो गया आपका 30 अंश, ये भी हो गया आपका 30 अंश, पूरे 60। इसका नाम दे देते हैं जी। अब इसमें से हमने मान लेते हैं कि इसकी भुजा जो है संभाव्य त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती है, सबको मान लिया एक्स एक्स, ये भी आपका एक्स का हो गया। अब यहां से हम क्या करेंगे कि एक्स है तो ये भुजा बीडी और डीसी दोनों बराबर होगा, ये मध्य बिंदु हो जाएगा, तो BD बराबर हो जाएगा DC बराबर X बाई राइट। BD बराबर DC बराबर हो गया X बाई टू। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, ये तो मान पता हो गया X बाई टू। अब पाइथागोरियस प्रमेय से लंब को निकाल लिया जाए, चाहे इस त्रिभुज से चाहे इस त्रिभुज से। चलिए कर्ण का बल यानी एडी का बल बराबर लंब का बल एडी का बल प्लस बीडी का एडी है, एक्स का बल बराबर एडी का बल प्लस बीडी का मान है एक्स बाई टू का बल। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर एडी का बल प्लस एक्स बाई टू का होगा तो एक्स स्क्वायर बटा चार। अब इसको मैं इधर कर देता हूं तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटा चार बराबर एडी का बल बटा ये हो जाएगा एलसीएम चार बराबर एडी का, ये हो गया चार एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। चार एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर घटा देंगे तो तीन एक्स स्क्वायर बटा चार बराबर एडी का बल। अब एडी बराबर हो जाएगा आपका करणी में थ्री एक्स स्क्वायर बटा चार निकालेंगे। अब ये जब चार हो जाएगा तो वर्गमूल निकालेगा, एक्स स्क्वायर का एक्स चार का दो एक्स बटा दो कड़ी में तीन का नहीं निकल पाएगा, एक्स कड़ी में तीन बटा दो ये मान निकल गया, एक्स कड़ी में तीन बटा दो। अब सबका मान निकाला जाए, चलिए ये तीस है, इस कोण के सामने की ऊंचाई ये लंब होगा और ये आधार होगा, तो बीडी आधार होगा और एडी लंब होगा। अरे सर बीडी लंब होगा 30 अंश के लिए और एडी आधार होगा, कितने अंश के लिए भाई? 30 अंश के लिए। चलो अभी करते हैं त्रिभुज ए बी डी से, ठीक है। अब ये हो जाएगा साइन, चलिए पहले साइन 30 अंश का मान निकालेंगे, लंब बटा कर्ण 30 अंश के लिए लंब ये होगा, बी डी
बाटा एडी डीडी एक्स बाई टू बाटा एक्स, इसको बाटा वन मान लेते हैं, एक्स बाई टू पूरे ये उलट जाएगा वन बाई एक्स, एक्स एक्स कर जाएगा वन बाई टू, साइन थीटा का मान, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण। चलिए त्रिशंस के लिए आधार ये होगा ए डी बटा कर्ण ए डी, ए डी एक्स रूट थ्री अपान टू बटा ए डी एक्स, इसका अपान मत कर दो, एक्स रूट थ्री अपान टू इंटू वन बाई एक्स कर जाए यानी रूट थ्री अपान टू, ठीक है। इसके बाद टेन थ्री सन्स, तो टेन थ्री सन्स का मान निकाल लें, चलिए लंब बटा आधार, तो तीस के लिए तो लंब ये होगा आधार ये होगा, लंब है बी डी बटा आधार है ए डी, बी डी एक्स बाई टू आधार इतना हो जाएगा बटा आधार ए डी, तब ये कर लेंगे जहां पर देख दो एक्स रूट थ्री अपान टू, तो एक्स बाई टू इंटू टू बाई एक्स रूट थ्री, दो से दो एक्स एक्स, यानी टेन थ्री संस का मान हो गया वन बाई रूट थ्री। अब कॉट थ्री संस का मान निकाल लेते हैं, कॉट थ्री संस बराबर होता है आधार बटा लंब, आधार ये होगा लंब ये हो जाएगा, थ्री संस का तो लंब ये आधार ये, तो आधार बटा लंब यानी ए डी बाटा बी डी। चलिए ए डी एक्स रूट थ्री अपान टू बटा एक्स बाई टू एक्स रूट थ्री अपान टू इंटू टू बाई एक्स, दो से दो एक्स यानी रूट थ्री, तो कॉट थ्री संस का मान हो गया रूट थ्री। अब देखो अब हम मान निकालते हैं किसका, कॉट का हो गया सेक का मान निकाल रहे हैं, तो सेक का सेक थ्री संस बराबर, सेक थ्री संस बराबर, अब देखा जा थ्री संस के लिए लंब ये आधार ये, सेक का होगा कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार, कर्ण है कितना एक्स, आधार है कितना एडी, यानी एडी बटा एडी, एडी बटा कितना एडी सेक त्रिशंस। चलिए एडी कितना है एक्स बटा कर्ण बटा आधार, आधार कितना है एडी एक्स रूट थ्री अपान टू, तो एक्स इंटू ये प्लस जाएगा दो अपान एक्स रूट थ्री, एक्स एक्स कट जाएगा टू अपान रूट थ्री। देखिए कॉस थीटा का करीब तीन बटा दो, सेक थीटा का उल्टा कर देंगे दो बटा करीब तीन हो जाएगा। इसके बाद कॉसेक तीस अंश बराबर कर्ण बटा लंब होता है, चलिए कर्ण क्या है ये लंब ये, यानी ए बी बटा बी डी, चलिए कर्ण बटा लंब ए बी क्या है एक्स, लंब क्या है एक्स बाई टू, ये हो जाएगा एक्स इंटू टू बाई एक्स, एक्स कर जाएगा बराबर दो। तो ये जो रहा तीस अंश का मान रहा, और इसके बाद पैंतालीस अंश का भी बताया जाएगा इस वीडियो में जो है, इसको यही समाप्त करते हैं। इसके बाद आपको मैं बताऊंगा पैंतालीस, थोड़ा सा एक सवाल इस पर देख लीजिए एक मिनट,
जैसे मान लो कि आपको मान पूछेगा कैसे, मान लो कि साइन 30 अंश, एक सवाल लिख रहा हूं, प्लस साइन कास ले लेता हूं 60 अंश। चल और यहां पर सीधे अगर आपको मान याद है तो रखेंगे, तो साइन 30 अंश का मान हो जाएगा 1/2 और कास 60 अंश का भी मान 1/2 जोड़ दो, तो 1/2 1/2 2/2 यानी इसको सवाल दिया होगा, केवल मान रख करके इसको सरल करना है, आपको किताब में दिया होगा, मान रख करके आप सारे सवाल को हल करेंगे तो लगभग आपको सारे क्वेश्चन आ जाएगा। कब? जब 0 से लेकर के आप 90 अंश तक का मान याद करेंगे, तो 0 से लेकर के 90 अंश तक का मान याद करना और उस प्रश्नावली में उस पर दिया है प्लस, प्रश्नावली को खोलना है और उसमें से प्रत्येक सवाल को हल करना है। बाकी मैं प्रश्नावली का सवाल बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, अब इसके लिए मैं यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करता हूं। थैंक यू, धन्यवाद।